ओके, तो लद्दाख सीरीज के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज जो है लद्दाख छोड़ने का टाइम आ गया है। सुबह के बज रहे हैं 7। मैं निकल पड़ा हूँ कारगिल की तरफ। कारगिल हो सके या फिर श्रीनगर हो सके जहाँ की लिफ्ट मिल जाएगी उस तरफ चल देंगे। और बैग पता नहीं बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है। खाना जितना कम रहे बैग ज़्यादा भारी हो रहा है। तो ये है कुछ मेरा नज़ारा और ऐसे ही चल रहा हूँ। होपफुली सीरीज़ जो है आपको अच्छा लग रहा होगा। आधा जो है कंप्लीट हो गया सीरीज़ का। अब देखते हैं इस तरफ का क्या है। होपफुली अच्छा होगा सब कुछ। फिंगर क्रॉस्ड है और आप लोगों का प्यार है तो सब कुछ अच्छा ही होगा। सुबह सुबह ना गाड़ी का फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा कम रहता है। सुबह सुबह का बात नहीं, हर समय कम रहता है, कम ज़्यादा मिला कर रहता है। लोग बहुत हेल्पफुल है। अभी तक किसी को लिफ्ट नहीं भी देना होता तो वो रिस्पॉन्स कम से कम करते हैं। तो मुझे जाना इस तरफ, मुझे इस तरफ की आने वाली गाड़ियों को रोकना है। और आगे जा रहे क्या? आगे जा रहे ले मार्केट। ले मार्केट जा रहे क्या? जल्दी आता हूँ। थैंक यू सर जी। यहाँ पे कैसे पहुँच गए? मैं तो यहाँ पे हिचाइक करते हुए आया सर, ले एक्सप्लोर किया। फिर ले से अभी जा रहा हूँ श्रीनगर की तरफ। आज जा रहे हो? हाँ जी सर। श्रीनगर क्या बस जा रहा है या टैक्सी में? नहीं नहीं ऐसे लिफ्ट मांग के जा रहा हूँ मैडम जी। अच्छा अच्छा, फिर मिलता है लिफ्ट? हाँ मिल जाता पूरा। आ तो गया ले तक लिफ्ट मांग के। ओहो, ये तो बहुत लकी है। हाँ बहुत लकी हूँ। तो मैं 5 मिनट में खड़ा हुआ था और फिर ये अंकल आंटी से मैंने मिला और ये हमें मतलब ले मार्केट तक छोड़ देंगे। सर यहाँ से ले मार्केट कितना किलोमीटर होगा? यहाँ से ले मार्केट है अराउंड 2 to 3 किलोमीटर। तो 2 से 3 किलोमीटर है यहाँ से ले मार्केट। तो ले मार्केट से एक डाइवर्शन आता है एयरपोर्ट कारगिल और श्रीनगर की तरफ, उस तरफ मेरे को जाना पड़ेगा। तो सुबह सुबह लिफ्ट मिल गई, थैंक यू अंकल आंटी को। ओके, तो भाई जी ने छोड़ दिया इस मोड़ पे। यहाँ से हमें कारगिल एयरपोर्ट श्रीनगर ये रास्ता जाता है। यहाँ से काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे होपफुली। ट्रक्स वगैरह भी जा रही होंगी। 8:20 हो गया है, अभी तक लिफ्ट नहीं मिल रही है। वैसे ही खड़ा हूँ एक ही जगह पे। ट्राई चल रहा है, देखते हैं कब तक मिलता है। मिल तो जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी ले पूरा घुमा, ले पूरा घुमा। अभी इस तरफ जा रहा हूँ कारगिल से, फिर श्रीनगर जम्मू होके उतर जाऊँगा। तो मैं बहुत देर से खड़ा था, भाई से मुलाकात हुई। भाई बोले कि थोड़ा आगे तक, आगे जाके लिफ्ट मांगो, आगे से मिल जाएगी। इनको हिचाइकिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो पता है। बहुत अच्छा लगा है ये सुन के। तो भाई आप क्या यहीं से हो? हाँ जी, हाँ यहाँ से। अच्छा अच्छा, तो आगे कौन सा जगह जहाँ से लिफ्ट मिल जाएगी? ये संजंगलिंग चौक बोलता है, जहाँ से आपको गाड़ियाँ कारगिल के लिए जाता है ना। अच्छा अच्छा, मेन यहाँ से यहाँ भी जाता है, वहाँ भी जाता है, तो आपको पता नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा वहाँ से, मतलब खाली कारगिल के लिए निकलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भाई थोड़ा हेल्प कर रहे हैं मेरे को, आगे तक छोड़ दे रहे हैं। और वहाँ से होपफुली कोई अच्छा गाड़ी मिल जाएगा, लंबा लिफ्ट। कम से कम 270 किलोमीटर का होगा ना कारगिल? हाँ उतना ही, 230 किलोमीटर। तो थोड़ा लंबा लिफ्ट ही चाहिए मेरे को आज। अब देखते हैं क्या होता है, अगर नहीं भी होता तो बीच में कहीं रुक के दोबारा ट्राई करेंगे। भैया को एक बार थैंक यू दोबारा। यहाँ मोड़ पे काफी देर खड़ा था और खड़े रहते रहते एक भाई से मिला, ये भी हिचाइक कर रहे हैं, ये बिहार से है। भाई आपका नाम बताओ? रंजन कुमार, ट्रैवलर रंजन यूट्यूब चैनल नाम है। एकदम जाके एकदम सब्सक्राइब कर दो। तो भाई की यात्रा के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, मतलब कौन कौन से रूट से आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। तो मनाली से आए हम, किलोंग। मनाली से किलोंग, फिर किलोंग में वहाँ मोनेस्ट्री गए, वहाँ थोड़ा घूमे। और रहे कहाँ, स्टे कहाँ किए? मोनेस्ट्री। अच्छा मोनेस्ट्री में ही रहे, ठीक है। उसके बाद दूसरा दिन हम स्टार्ट किया आपका, आए फिर दारचा। अच्छा वहाँ से फिर नहीं, पहले आए जिस्पा। हाँ जिस्पा से जिस्पा रहे थे क्या? नहीं वहाँ थोड़ा सा हमको ट्रक मिल गया डायरेक्ट, ये मतलब दारचा से। हाँ हाँ, कहाँ तक? ले के लिए। अच्छा दारचा से मिला ना। तो ले में कितना दिन रुकने का प्लान है? 4 दिन, 3-4 दिन। पेंगोंग लेक जाएंगे, एक आधु और जाएंगे बस। खरदुंगला है उधर, ये नुब्रा वैली भी घूम लेना, देख लेना। तो ठीक है भाई से मुलाकात होती रहेगी। बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने जैसे ट्रैवलर भी रास्ते में अभी मतलब मिलने लगे हैं। तो ठीक है भाई को अलविदा कहते हैं, हम अपने रास्ते चलते हैं और इनको छोड़ते हैं अपने रास्ते। कम से कम 1 घंटा हो गया खड़ा हूँ, अभी तक कोई लिफ्ट नहीं मिली है लंबी। सर जी कारगिल तरफ जा रहे हो क्या? नहीं नहीं, तब एयरपोर्ट जा रहे हो? अच्छा नहीं, मुझे कारगिल के लिए ही करना था। ठीक है ठीक है सर जी, रोकने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक आर्मी वाले रोके थे, उनको एयरपोर्ट जाना था। एयरपोर्ट की तो काफ़ी सारी गाड़ियां हैं पर कारगिल थोड़ा लंबा स्टे करना।
पहले हाथ दिखाया तो भाई का यहीं पे काम था, तो भैया देख रहे थे कि मैं कब से खड़ा हूँ, तो भाई ने दोबारा से पूछा कि आप कहाँ जाओगे। मैं बोल रहा हूँ कि कारगिल तक जाना है, तो भाई थोड़ा आगे तक मेरे को छोड़ दे रहे हैं, तो वहाँ से मिलने की संभावना है। ये रहा लेह का एयरपोर्ट। तो वो भाई ने जो है एयरपोर्ट के गेट के थोड़ा आगे तक छोड़ दिया, कम से कम 4-5 किलोमीटर का लिफ्ट जो है मिल गया। सीनिक ब्यूटी जो है अभी थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है। वही भाई मिल गए जिनके साथ कल हम लोग ने पैंगोंग गए थे। चलिए चलते हैं भाई के साथ, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। कहाँ, श्रीनगर जा रहे हो आज? हाँ देखो किस्मत, देखो बैठ जाऊँ तो किस्मत होनी चाहिए ऐसे भाई लोग से जो है वो दोबारा हम मिल गए हैं। आज फिर से जो है इनका प्राइवेट लाइफ जो है हम बर्बाद करने वाले हैं। तो ठीक है, तो भाई शायद आज जाएंगे, ये श्रीनगर तक जाओगे ना भाई? तो मैं शायद आज कारगिल में उतर जाऊँ, क्योंकि कारगिल में थोड़ा आसपास थोड़ा देखना भी है मेरे को। ओके, तो सुबह के बज रहे हैं 9, बहुत देर, काफ़ी 1 घंटा कम से कम खड़ा रहने के बाद छोटी छोटी लिफ्टें कुछ मिली, फिर मैं एयरपोर्ट तक आया। और एयरपोर्ट से कल वाले जो भैया थे, मतलब जो पैंगोंग, जो मतलब पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मतलब पैंगोंग जिस भाई के साथ मैं गया था, उनका भी आज श्रीनगर से उतरने का प्लान था, पर वो थोड़ा सोच रहे थे कि मतलब श्रीनगर के रास्ते उतरूँ या फिर मनाली के रास्ते। तो मनाली के रास्ते में तो अभी थोड़ा वो फ्लड व्लड के चलते थोड़ा दिक्कत है, खुल भी गया होगा तो थोड़ा मतलब मेंटेनेंस वगैरह चालू है, तो उन्होंने भी डिसाइड किया कि श्रीनगर से उतरेंगे। तो आते आते एयरपोर्ट के थोड़ा पहले मैं जस्ट पैदल आगे ही बढ़ रहा था, तो भाई से मुलाकात हो गई, तो यही वो किया है। तो कुछ ऐसा है, और बाकी जहाँ रुके हुए हैं यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह है, वादियाँ ही वादियाँ चारों तरफ, थोड़ा सा ये एक छोटा सा शहर है। और यहाँ पे भाई लोग जो है अभी थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के, मेरे बैग में खाना पड़ा हुआ है, ब्रेड जैम है, सत्तू है, मैं ये सब खा लूँगा, नहीं तो अगर बाहर खाते खाते ना बैग का सामान ख़त्म नहीं हो रहा है, तो ये काफ़ी मतलब भारी भी लग रहा है, तो थोड़ा बहुत ख़त्म ही होना चाहिए। तो नेशनल हाईवे 1 पे खड़े होके सत्तू पी रहा हूँ मैं। अभी यहाँ से कितना देर लगेगा नहीं पता, कारगिल का एग्जैक्ट कितना किलोमीटर है वो भी नहीं पता, 270 करीब किलोमीटर कुछ शायद से हो। तो बस चल रहा है जर्नी के लिए। सत्तू बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी बन भी जाता है, खा भी लेते हो, कुछ चाहिए भी नहीं होता साथ में, नमक चीनी अगर आपको डालना हो तो स्वाद अनुसार आप डाल सकते हो। ओके, तो वार मेमोरियल के सामने हम आ गए हैं, जल्दी से इंस्टा पे जाओ और फोटो को लाइक करो, होगा 10,000 ना भाई को अभी क्वालिटी वॉल्स दिख गई है, और भाई जा रहे हैं अभी 10,000 फीट पे क्वालिटी वॉल्स खाने के लिए। चलो देखते हैं कौन कौन सा फ्लेवर मिलता है। आओ सीधा आओ, आओ आओ आओ, सीधा 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 सीधा, इधर 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 सीधा, 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 सीधा।